हेलो गाइस, मैं हूँ प्रिया गोयल और आप देख रहे हैं फिल्म बीबो। रोमांस, कॉमेडी, थ्रिलर और एक्शन मूवीज देखे आप सभी लोग तो बोर हो गए होंगे, और बोर होना भी बनता है क्योंकि इंडियन सिनेमा में तो यही मूवीज बनती हैं। इसलिए शायद आप लोग हॉलीवुड की मूवीज देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि बॉलीवुड में आरती केदव ने एज अ डायरेक्टर और एज अ राइटर अपनी एक साइंस फिक्शन मूवी से डेब्यू किया है, जिसका नाम है कार्गो, जो कि रिलीज हुई थी 9 सितंबर 2020 को ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी नेटफ्लिक्स पे, जिसमें आपको दी सुपर टैलेंटेड एक्टर विक्रांत मेस्से और श्वेता त्रिपाठी देखने को मिलेंगे इन द लीड रोल। कार्गो मूवी की अगर कहानी की बात करूं तो कहानी है प्रस्ता की, जो कि मेल एस्ट्रोनॉट है, जिनकी पूरी जिंदगी स्पेसशिप में काम करते करते निकल गई है। उनकी स्पेसशिप का नाम है पुष्पक 643A। उनका काम है पोस्ट डेथ ट्रांजिशन करना, मतलब जो लोग नीचे धरती पे मर गए हैं उनको ऊपर स्टेशन में बुला के उनकी पुरानी मेमोरीज डिलीट करते हैं, फिर उनको हील करते हैं, फिर बाद में उनका रीबर्थ करते हैं। यानी अगर कम शब्दों में कहूँ तो जो लोग मर गए उनको नई जिंदगी देने का काम करते हैं प्रहस्ता। और प्रहस्ता का रोल प्ले किया है विक्रांत मेस्से ने, जिन्होंने बखूबी तरीके से अपना काम हम दर्शकों तक पहुंचाया है। प्रहस्ता बहुत ही बोरिंग लाइफ जी रहे हैं, लेकिन इसी बीच एंट्री होती है युविष्का की, जो कि फीमेल एस्ट्रोनॉट है और साथ ही में प्रहस्ता की न्यू असिस्टेंट है, जिनका काम है प्रहस्ता के काम में हाथ बटाना। एक तरफ प्रहस्ता है जो कि इंट्रोवर्ट टाइप के लड़के हैं, जिन्हें अपने से मतलब है और अपने काम के अलावा उन्हें कोई दूसरी चीज नजर नहीं आती, चाहे वो दूसरों के इमोशंस हो, चाहे वो दूसरों की फीलिंग्स हो। वहीं दूसरी तरफ युविष्का है, जिन्हें अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस शेयर करना भी अच्छा लगता है, साथ ही में लोगों की फीलिंग्स को भी बखूबी तरीके से वो समझती हैं। तो क्या प्रहस्ता की बोरिंग लाइफ में युविष्का नए रंग भर पाएंगी, और उन दोनों की मैच्योर लव स्टोरी और उन दोनों की एक साइलेंस अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। और सबसे खास बात, इस मूवी में एक मैसेज देने की पूरी कोशिश की गई है, और वो मैसेज मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने आपको मैसेज बता दिया तो आप मूवी में क्या देखेंगे जाके। बट मैं इतना कह सकती हूँ दैट दिस मूवी इज नॉट अबाउट एक्शन, दिस मूवी इज अबाउट ह्यूमन इमोशन, और वो आपको देखने को मिलेंगे तमाम लोगों के जरिए, उनके अलग अलग कहानी के जरिए। और मुझे पूरी उम्मीद है दैट बाय द एंड ऑफ दिस मूवी यू विल गेट टू नो व्हाट एक्चुअली लाइफ इज। और डायरेक्टर आरती तो तारीफ के काबिल है ही, कि उन्होंने इतने कम बजट में एक इतनी शानदार साइंस फिक्शन मूवी बॉलीवुड में बना के दिखाई है। आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड तो हॉलीवुड के आइडियाज को कॉपी करने में कभी पीछे नहीं हटता, लेकिन इस बार लग रहा है कि हॉलीवुड को बॉलीवुड के आइडियाज की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि आरती ने एक आइडिया को अलग तरीके से, आई मीन एक क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके से इम्प्लीमेंट करने की पूरी तरीके से कोशिश की गई है। और आप लोग भी कब तक आलिया भट्ट, वरुण धवन और अनन्या पांडे की मूवीज देख के अपने आप को एंटरटेन करते रहेंगे? मतलब वो मूवीज क्यों देखते हैं जिसमें कोई सेंस नहीं है, जिसमें कोई स्टोरी नहीं होती, जिसमें कोई इमोशन नहीं होते? जाइए कोई एक मीनिंगफुल मूवी जाके देखिए। और हम वेलकम करते हैं आरती केदव का बॉलीवुड में, और उनके काम को भी अप्रिशिएट करते हैं ये मूवी देख के, कि उन्होंने अपने डेब्यू ही मूवी एक साइंस फिक्शन मूवी से की है, और उनसे उम्मीद करते हैं कि आगे वो ऐसी मूवीज हम दर्शकों के लिए वो लाती रहेंगी। तब तक के लिए आप जाके मूवी देखिए, और अपनी मूवी देखने का एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और मेरी और आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी एक नई फिल्म रिव्यू के साथ। थैंक यू।